हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्जाम में। तो फाइनली जिस रिजल्ट का वेट काफ़ी टाइम से हो रहा था उसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में जो हैवी बस ड्राइवर की वैकेंसीज थी उनका फाइनल रिजल्ट जो है वो आउट कर दिया गया है। फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल दी गई है, तो बहुत सारे बच्चों का चयन हुआ है उसके अंदर। उम्मीद है आपका भी सबका नाम उसके अंदर आया होगा। लेकिन बात ये होती है कि सिलेक्शन कैसे होगा, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन आखिर कैसे जो है वो बच्चों को बुलाता है, क्योंकि वैकेंसीज लिमिटेड होती हैं, बच्चों के नाम बहुत सारे होते हैं मेरिट में, तो कैसे बच्चों को बुलाया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो मेरा सिलेक्शन हुआ था वो भी इसी तरीके से हुआ था। मेरी जो मेरिट लिस्ट आई थी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की उसमें भी बहुत सारे बच्चों का नाम था, लेकिन सिलेक्शन कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बता दूंगा। तो किन किन बच्चों को बुलाया जाएगा तो कम्प्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। जिनका भी रिजल्ट में नाम है उम्मीद है आपने रिजल्ट भी देख लिया होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में वर्कशॉप स्टाफ की वैकेंसीज भी आउट हो चुकी हैं, तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जो है वो रिजल्ट आउट कर दिया गया है 13 जून को, यानी कि कल ये रिजल्ट आ गया था। रात के टाइम भी रिजल्ट आया था। तो मेरिट लिस्ट हैवी बस ड्राइवर, और दो तरह के रिजल्ट यहाँ पर निकलते हैं, एक निकलता है मेरिट लिस्ट और एक निकलता है गेजेट गेजेट रिजल्ट। हम इन दोनों में फ़र्क क्या है मेरिट लिस्ट और गेजेट रिजल्ट में? अगर मैं गैजेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ नीचे वाले लिंक पे, तो ये लिस्ट यहाँ पर ओपन होती है। ये है गैजेट लिस्ट, ये है आपके पास कौन सा गैजेट रिजल्ट। रिजल्ट गैजेट फॉर हैवी बस ड्राइवर टेस्ट हेल्ड ऑन 16/7/2023 को, ये एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल। और इसका जो गैजेट रिजल्ट है वो क्या है, वो इसके अंदर वो सभी बच्चे होते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम भरा था, चाहे वो एबसेंट हैं, चाहे वो प्रेजेंट थे, चाहे को मेरिट में नाम आया है नहीं आया है, ठीक है ना। ये यहाँ पर उन सब बच्चों का यहाँ पर रिजल्ट दिया जाता है। ये सारे बच्चे हैं टोटली जिन्होंने ड्राइवर का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। जो कंप्लीट जो फॉर्म भरे जाते हैं ये वो है, ये वो बच्चे आते हैं। इसके अंदर सारे एबसेंट भी आपको मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको जो मेरिट में नहीं है जिनके मार्क्स कम है वो भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपका नाम होगा, एक बार यहाँ पर भी आप चेक कर लीजिएगा। अब अगर मैं इस वाले ऊपर वाले लिंक की बात करता हूँ हैवी बस ड्राइवर मेरिट लिस्ट, तो ये आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ये मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट मतलब जो बच्चे टॉप के हैं, जितने जितने बच्चे उनको चाहिए थे उतने उन्होंने सिलेक्शन यहाँ पर करी है। तो हैवी बस ड्राइवर का ये है। साथ ही साथ अगर मैं वैकेंसीज की बात करता हूँ, एक सेकंड के लिए अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ हैवी बस ड्राइवर की, तो अगर मैं ये लिंक ओपन करता हूँ तो यहाँ पर वैकेंसीज जो थी हैवी बस ड्राइवर की वो 46 वैकेंसीज थी, ठीक है ना, 46 वैकेंसीज थी। लेकिन यहाँ पर जो बच्चों के नाम है बहुत सारे, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर है। जैसे अगर मैं 46 की बात करूँ तो टॉप के 46 बच्चों में यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट जो है वो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नीचे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रखा है 47-48 पेज पे, 48 नंबर पे, 49 पे, 50 पे। तो बहुत सारे जनरल कैटेगरी के ही बहुत सारे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो जनरल कैटेगरी के ही जो कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट हुआ है। कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी के? 257 बच्चे जो है वो जनरल कैटेगरी के सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन पोस्ट कितनी थी जनरल की? टोटल 22 पोस्ट थी, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी की एक्स सर्विसमैन को मिला के टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी? वो 22 पोस्ट थी टोटल। लेकिन बच्चे लिस्ट में कितने हैं मेरिट में? 257 है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं ओबीसी की बात करता हूँ, सॉरी एससी कैटेगरी की अगर बात करता हूँ, तो एससी कैटेगरी की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी? 8 थी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी 8 एक्स सर्विसमैन को मिला के। लेकिन अगर मैं शेड्यूल कास्ट की यहाँ बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट के हैं वो टोटल कितने हैं? 82 हैं। तो सभी बच्चों को तो नहीं बुला सकते ये, तो बच्चे कौन से जाएंगे? जो टॉप के होंगे। टॉप के इन द सेंस कि मान लीजिए कि जर्नल में 46 वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर जो जर्नल कैटेगरी की, सॉरी जर्नल में अगर 22 वैकेंसीज हैं, जर्नल की अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं? 22 हैं, जर्नल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो टॉप के 22 बच्चे होंगे इनको यहाँ पर बुला लिया जाएगा। ये टॉप के जो 22 बच्चे हैं इनको यहाँ पर बुला लिया जाएगा। अगर ये सभी के सभी बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं 22 के 22 बच्चे, तो फिर आगे किसी को नहीं बुलाया जाएगा। अब अगर यहाँ पर इन 22 बच्चों में से मान लो किसी ने ज्वाइन नहीं करा, या किसी और का कोई और एग्ज़ाम क्लियर हो गया वो वहाँ चला गया, या ज्वाइन करने में कोई लेट हो गया, फिर उसको दूसरा मौका दिया गया फिर भी नहीं आया वो, फिर उसको तीसरा मौका दिया गया ज्वाइन करने का फिर भी नहीं आया, तो इस केस में क्या होता है? जो 22 के नीचे जो बच्चे होंगे, जैसे 23, 24, 25, 26, 27, 28, इनको यहाँ पर बुलाया जाएगा वेटिंग लिस्ट के लिए। वेटिंग लिस्ट इसी में से ही बनेगी,
कोई अलग से कोई और लिस्ट नहीं आने वाली है, इसी में से ही वेटिंग लिस्ट बनेगी। पहले 22 बच्चों को बुला लिया जाएगा कि आप ज्वाइन करिए। अगर ये ज्वाइन नहीं करते किसी कारणवश, जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में था, लेकिन हुआ क्या, कुछ बच्चे जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वेटिंग लिस्ट में था मेरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हुई थी तो बुलाया गया हमें, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो बारिश बहुत थी तो आ नहीं पाए, पहुँच नहीं पाए, उनको मौका दिया गया वो फिर भी नहीं आए, तो मेरा नाम वहाँ पर आ गया था लिस्ट के अंदर। तो ये 22 बच्चों को बुला लिया जाएगा, इनमें से अगर कोई ज्वाइन नहीं करता तो फिर नीचे आगे 23, 24, 25, 26, 27 ऐसे चलता रहेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक जनरल की 22 की 22 वैकेंसीज फिल नहीं हो जाती। इसी तरीके से अगर शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं एससी की, तो एससी की कैटेगरी की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, देखिए थोड़ी बात बुरी लग सकती है, लेकिन आप थोड़ा हो सकता है किसी को बुरा लग जाए मेरी बात का, लेकिन जो 100 से नीचे नंबर हैं जिनके, 100 नंबर से जो नीचे बच्चे हैं इस 100 से, वो थोड़ी सी उम्मीद कम रखें, ठीक है, क्यों, वो किसी और एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसको और बेहतर तरीके से कर लें। चंडीगढ़ सिटी वर्कशॉप स्टाफ में वैकेंसीज निकली हैं, वो उनकी तैयारी कर लें, क्योंकि बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि लिस्ट 100 तक भी चली जाए, बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस होते हैं, ठीक है। ऐसा हो चुका है मेरे साथ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क की जो 2019 की वैकेंसी थी उसमें मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरा नाम जो था वो बहुत नीचे था, तो टॉप के बच्चों को बुला लिया गया, वेटिंग लिस्ट भी आई, लेकिन वेटिंग लिस्ट में भी मेरा नाम उस वक्त नहीं आया था, ठीक है। तो जो बच्चे 100 नंबर से नीचे हैं, मैं निराश होने वाली बात नहीं है, वो अगर किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको और बेहतर तरीके से कर लें, ठीक है, उसमें सिलेक्शन ले लें। इसमें चांसेस कम है, लेकिन उम्मीद ना छोड़ें, हो सकता है कोई बच्चे अगर नहीं आते, ज्वाइन नहीं करते, किसी को पसंद नहीं आता, 6 महीने का टाइम होता है, छोड़ के चला गया, इस तरह से फिर लिस्ट आती रहती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उम्मीद थोड़ी सी कम है, ठीक है। और जो नीचे वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा अपना देख सकते हैं कि उनकी उम्मीदें कितनी बची हैं। शेड्यूल कास्ट की अगर बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट में अगर 8 वैकेंसीज हैं तो टॉप के 8 बच्चों को बुला लिया जाएगा। अगर इनमें 8 में से अगर कोई ज्वाइन नहीं करता, वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि सबको जो है वो सरकारी जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और चंडीगढ़ शहर में अगर जॉब मिल रही है तो मुश्किल ही कोई जो है वो जॉब छोड़ना चाहेगा। अगर इनमें से कोई नहीं ज्वाइन करता फिर 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह से जो है वो बुलाया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ओबीसी क्या होगा, अब यहाँ पर बात आती है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम दो जगह दिए रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि ओबीसी कैटेगरी में अगर मैं लास्ट इसको सर्च करता हूँ, इस रोल नंबर को, तो आपको दिखेगा एक नंबर तो इसका यहाँ पर आ रहा है, राजशेखर मेलाराम, और अगर इसी को मैं नीचे सर्च करता हूँ तो इसका नाम एक्स सर्विस मैन में भी है, राजशेखर मेलाराम। तो ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम दो जगह है, एक्स सर्विस मैन ओबीसी में भी अपना जगह बना रहे हैं और ओबीसी लिस्ट में भी अपनी जगह बना रहे हैं। तो मान लीजिए ओबीसी लिस्ट, ओबीसी की वैकेंसीज कितनी हैं, ओबीसी की वैकेंसीज हैं 12, तो टॉप के 12 बच्चों को तो ओबीसी लिस्ट में बुला लिया जाएगा, ठीक है, टॉप के 12 बच्चों को ओबीसी लिस्ट में मान ले। अब ये जो है कैंडिडेट राजशेखर, ये सबसे लास्ट में है, तो टॉप के 12 में ये ना आके इनको फिर कहाँ बुलाया जा सकता है, इनको अदर बैकवर्ड क्लास जो है इनके यहाँ पर बुलाया जा सकता है, छठे नंबर पर ये ओबीसी एक्स सर्विस मैन में बिलोंग कर रहे हैं तो शायद इनको यहाँ बुला लिया जाए। तो ऐसे भी कई बच्चे हैं जो दो जगह वेरी कर रहे हैं, तो अपने रोल नंबर देख लीजिएगा कि आपके कहीं अगर दो जगह हैं तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं, ओबीसी में ना बुला के शायद आपको एक्स सर्विस मैन में बुला लिया जाए, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन बुलाता है, जब तक वैकेंसीज फिल नहीं होगी 40 की 40 तब तक मेरिट वेटिंग लिस्ट आती रहेगी, और वेटिंग लिस्ट के लिए कुछ अलग नहीं आएगा, इसी में से वेटिंग लिस्ट बनेगी, सभी बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। तो जो बच्चे थोड़ा नीचे हैं, अपने थोड़ा नंबरिंग में जो नीचे हैं, वो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर वर्कशॉप स्टाफ की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी और अच्छे से कर लें, उसमें अपना नाम जो है वो रख लें। तो यही मैंने आपको बताना था, उम्मीद आप समझ गए होंगे कि किसकी उम्मीद ज़्यादा है और किसकी उम्मीद कम है इस जॉब के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हैं, सबको नहीं बुला सकते हैं, ये सबको बुलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इतनी तो वैकेंसीज नहीं है, ठीक है ना। एक्स सर्विसमैन ओबीसी आ गया, ये नीचे आ गया, ठीक है ना, इस तरह से एक्स सर्विसमैन एससी हो गया। अगर इसका मैं नाम देख लेता हूँ, मान लीजिए अगर मैं एक्स सर्विसमैन एससी वाले किसी को सर्च करता हूँ तो क्या इसका नाम दो जगह है, देख लेते हैं, इसका नाम भी दो जगह है। देखिए एक्स सर्विसमैन वाले का एससी कैटेगरी में एक तो 80 नंबर पे है ये, और एससी कैटेगरी की बात हो रहा हूँ, और साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन में भी है ये फर्स्ट नंबर पे। तो अगर इस 80 वाले को नहीं बुलाएंगे ना, अगर इस 80 वाले को नहीं बुलाएंगे यहाँ पर एससी कैटेगरी में, तो इसको एक्स सर्विसमैन में बुला लिया जाएगा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन फर्स्ट नंबर पे वेरी कर रहा है। तो ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं
जो दो दो जगह वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से बुलाया जाएगा। तो लिस्ट का वेट कीजिए, जिनको बुलाया जाएगा नाम आपको पता लगते रहेंगे। तो रिजल्ट आउट हो चुका है, उम्मीद है आपने नाम भी देख लिया होगा। तो यही अपडेट आपको देनी थी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। और चंडीगढ़ वर्कशॉप स्टाफ की वैकेंसीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।